हेलो एवरीवन, आज हम हिंदी पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ लेसन टू। गिनती में आज आगे लर्न करेंगे अभ्यास। क्वेश्चन वन, 1 से 50 तक की गिनती को क्रमिक मिलाकर चित्र बनाइए। देखो ये बच्चों, यहाँ पे एक ड्राइंग दिया है, उसमें 1 से लेके 50 तक की गिनती है वो दी है, तो डॉट्स दिए, उसे हमें ज्वाइन करना है और एक ड्राइंग बनाना है। लेट स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैतालीस चौवालीस पैंतालीस छियालीस सैतालीस अड़तालीस उनचास पचास। 50 और एक है, उसे ज्वाइन करना है, क्योंकि हमने कहाँ से कहाँ तक किया, 1 से लेके 50 तक। यहाँ पे ये कछुआ है, उसकी पूंछ कंप्लीट हो गई, ये ड्राइंग है, वो कछुआ का है और वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्वाध्याय। क्वेश्चन वन, अंकों में लिखिए। किस में लिखना है? अंक में लिखना है। यहाँ पे वर्ड्स है वो दिए है, हमें इसके नंबर यानी कि अंक है वो लिखने। 22, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 22। 29, 2 और 9। 48, 4 और 8। 44, 2 बार 4। 37, 3 और 7। 25, 2 और 5। 31, 3 और 1। 50, 5 और 0। 46, 4 और 6। 28, 2 और 8। 33, 2 बार 3। 42, 4 और 2। क्वेश्चन टू, सही जोड़े मिलाइए। यहाँ पे क्या करना है? ज्वाइन करना है। ओ और बो पार्ट में दिया है, पार्ट ओ में क्या दिया है? अंक दिया है, और पार्ट बो में उसके वर्ड दिए हैं। पार्ट ओ में देखते हैं, अंक को 4 और 1, 41, 4 और 5, 45, 4 और 8, 48, 2 और 6, 26, 4 और 9, 49। अब यहाँ पे वर्ड दिए हैं, उसके पास में हम उसका अंक है लिखेंगे, जिससे हमें आसानी होगी ढूंढने में। 45 तो क्या होगा? 4 और 5 आएगा। 26 तो क्या आएगा? 2 और 6। 48 तो क्या आएगा? 4 और 8। 49 तो क्या आएगा? 4 और 9। 41 तो क्या आएगा? 4 और 1। अब इस तरफ के अंक और इस तरफ के अंक, दोनों तरफ अंक हो गए हैं, हमें इसे ज्वाइन करना है। 4 और 1, 41, तो इस तरफ हमें वो ढूंढना है। 45, 26, 48, 49 और 41 कहाँ पे है? ऊ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊ और यहाँ पे टिक करते जाएंगे। फिर क्या है? 4 और 5, 45, वो कहाँ पे है? पहले पे ही है, यहाँ पे कॉ में, तो उसे टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉ।
चार और आठ 48, सामने ये देखो ई पे, तो उसे टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। फिर दो और छः 26, यहाँ पे देखो दो और छः 26, यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ड। फिर लास्ट में एक ही बचा 49, चार और नौ, इस तरफ भी वही एक ही बचा 49, चार और नौ, यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ई। थैंक यू।